मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कॉमेंट करके बताइएगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना वो कब की गई, किस सन के अंदर की गई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1957। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम जो कि कब पारित किया गया था, 1999 में इसे पारित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। तो ये प्रश्न राजस्थान से जुड़ा हुआ है क्योंकि राजस्थान का जो फुलेरा जंक्शन है जयपुर के पास में है वो कि मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? राज्य के राजस्थान राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो उदयपुर। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है? राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जो कि किस जिले के अंदर है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जो कि जयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, निम्न में से बांसवाड़ा जिले में सोना दोहन का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बांसवाड़ा के अंदर सोना दोहन का जो कार्य है वो किस कंपनी के द्वारा हो रहा है? आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि बांसवाड़ा के अंदर सोना दोहन का जो कार्य है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है, राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है जिसे भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में माना जाता है? गेहूं, बाजरा, उड़द या सरसों। सही उत्तर रहेगा उड़द। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन है। राजस्थान के अंदर जो वन पाए जाते हैं उसके अंदर सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा एरिया में वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान हो गया, शुष्क वन हो गया, धोक वन हो गया, प्लास वन हो गया। तो सर्वाधिक एरिया के अंदर धोक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य जो कि किसके लिए फेमस है? राजस्थान के अंदर ताल छापर अभयारण्य है जो कि किसके लिए फेमस है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। और आप सभी से इस वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर दे देना। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहा जाता है? राजस्थान में उर्वरक खनिज जो है किस खनिज को कहा जाता है? देखिए वो खनिज जो मतलब कुछ उर्वरकता के लिए लाभकारी रहता है तो वो खनिज है जिप्सम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर हीरे की जो खान है वो किस जगह पे है? केसरपुरा, टिरवी, लगुमान या दादिया, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। हीरे की खान जो कि राजस्थान के अंदर कहाँ पे है? तो केसरपुरा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? खिलौनों के निर्माण में कौन सा खनिज काम आता है? फायर क्ले, गेरू पत्थर, चाइना क्ले या फिर घिया पत्थर।
तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, घिया पत्थर। घिया पत्थर के निर्माण में, सॉरी, घिया पत्थर के खनिज के मामले में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? भारत का जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो कहाँ पे मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राजस्थान से जुड़ा हुआ है, कि पूरे इंडिया का सबसे अच्छा संगमरमर जो कि मकराना का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में किस खनिज का उत्पादन 100% होता है? राजस्थान के अंदर किस खनिज का जो उत्पादन है वो 100% होता है, यानी ये समझ लीजिए कि वो पूरे खनिज का जो उत्पादन है वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही होता है, वो है जासपर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से राजस्थान को जावर माइंस कहाँ है? राजस्थान के अंदर जावर माइंस जो है किस जिले के अंदर है? जयपुर, सॉरी, उदयपुर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया। सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, राजस्थान में जावर माइंस जो है कहाँ पे है? तो ये उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान है किस राज्य का? भारत के अंदर, इंडिया के अंदर चांदी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है, और राजस्थान जी के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आज ही दबा लीजिएगा, आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चांदी के उत्पादन में राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्न में से देश में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी, देश की संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी जो है कहाँ पे है? हमने बात किया था सबसे अच्छा संगमरमर मकराना का है। अगर बात की जाए संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी जो कि किशनगढ़ के अंदर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग के अंदर वन किस टाइप के पाए जाते हैं? तो कांटेदार पेड़ है, वहाँ पे झाड़ियाँ भी हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न में से पावर पैक परियोजना जो है संबंधित है? राजस्थान के अंदर एक पावर पैक परियोजना जो संबंधित है किससे जुड़ी हुई है? इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य होता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो जो पावर पैक परियोजना है उसका एक काम होता है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करवाना। देखिए, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? रेगिस्तान के सागवान के रूप में कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो सही उत्तर रहेगा खेजड़ी, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वृक्षों को बचाने हेतु प्राण उत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो ये जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, खेजड़ी, बबूल या रोहिड़ा? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है जो कि खेजड़ी, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण कौन सा है? उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान के अंदर फेमस अभ्यारण कौन सा है? तो सीता माता इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, और ये भी बताएं कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।